प्रदर्शन के पहले सभा स्थल पर संबोधित करते हुए जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने कहा कि ऐतिहासिक धरोहर की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। अगर खुद लाखा बंजारा जीवित होते तो वो भी इसकी हालत देखकर आंसू बहा रहे होते। शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर झील को बदहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 92 करोड़ के कामों में मंत्री से लेकर शहर विधायक तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। झील में चकरा घाट गंगा मंदिर के पास डीसल्टिंग किए बिना ही करोड़ों रुपए के बिल का बिना सत्यापन कर भुगतान कर दिया गया। झील का काम वर्ष सितंबर 2020 में शुरू हुआ था, जिसको 18 महीने में पूरा करना था और अब 34 महीने बीतने पर गुणवत्ता की अनदेखी कर बचे कामों को 15 अगस्त तक समेटने का आदेश दे दिया गया है। भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने ठेका देकर जमकर भ्रष्टाचार किया है। पचौरी ने कहा, लाखा बंजारा झील और जनता के साथ किया गया पाप भाजपा का अभिशाप बन जाएगा। नंदलाल चौधरी ने कहा, भाजपा जनता के साथ वादे तो करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। भाजपा ने विरासत को भी भ्रष्टाचार के बलि चढ़ा दिया है। मुकुल पुरोहित ने कहा कि झील में अतिक्रमण को लेकर वर्ष 2018 में एनजीटी कोर्ट के निर्देश के बाद झील के अतिक्रमण का खाका तैयार किया गया था। प्रशासन की रिपोर्ट में झील में संघ कार्यालय पूर्व सांसद समय कई रसूखदारों के नाम सामने आए थे जिन्होंने झील की जमीन पर अतिक्रमण किया था, लेकिन अब उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाकर क्लीन चिट दे दी गई है। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह यादव ने कहा, नगर निगम झील के सौंदर्यीकरण को लेकर हर साल नगर निगम में बजट प्रस्ताव रखता है। पहले भी जलकुंभी निकालने के नाम पर लाखों रुपए की बंदरबांट की गई है। पूर्व निगम अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ कटारी ने कहा कि झील में हो रहे कामों की गुणवत्ता की जांच हो तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अशोक श्रीवास्तव ने कहा, मांझी समाज की आजीविका झील पर ही निर्भर थी लेकिन भाजपा और भ्रष्ट अफसरों ने सौंदर्यीकरण के नाम पर उनके हक को भी छीन लिया। पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे ने कहा कि आज लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी लौट आई है, विरोध करने पर जेल भेज दिया जाता है। रामजी दुबे ने कहा कि भाजपा ने मुंगेरी लाल के सपने दिखाए हैं। झील के सौंदर्यीकरण के तहत 20 घाटों और पार्क निर्माण करने का दावा किया था, वो सब अधूरे हैं। 93 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। मंत्रियों और भाजपा विधायक ने भ्रष्ट अफसरों को इतनी छूट दे रखी है कि झील के कामों की मॉनिटरिंग भी नहीं की जाती। प्रदर्शन में इस अवसर पर कांग्रेस नेता व अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए।